मैंगो का सीजन आए तो ये टेस्टी बिना क्रीम और कंडेंस मिल्क से बनी मैंगो कुल्फी बनाना एक बार तो बनता ही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक नो कुकिंग रेसिपी है। हमने इसको घर की आधा कप मलाई के साथ बनाया है और इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो आइए बनाते हैं ये मज़ेदार सी ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक आम लिया है, तो देखें अच्छा पका हुआ आम ले तो ये मीठा होगा, इससे कुल्फी बहुत टेस्टी बनेगी। हम क्या करेंगे, इसका छिलका हटा देंगे। तो इस तरह से पतला पतला छिलका हटाएं इसका। ये देखिए मैंने आम को पूरा छील लिया है और अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े काट के इस बोल में डाल देंगे। तो बस इस तरह से काट लें इसको, रफली चॉप कर लें। तो ये देखिए पूरा आम मैंने अच्छे से काट लिया है और अब हम इसको पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए प्यूरी बना के मैंने इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये ऑलमोस्ट 1 कप प्यूरी बन के तैयार हुई है और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही क्रीमी और टेस्टी कुल्फी बन के तैयार होगी। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून पिसा हुआ शक्कर। तो कम या ज़्यादा शक्कर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना होगा। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इस टाइम पे इसको टेस्ट कर लें थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा कम मीठा लग रहा है तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर और डाल दूंगी और इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको शुगर की क्वांटिटी अपने हिसाब से डालनी होगी। अगर आम ज़्यादा मीठे हैं तो शक्कर कम डलेगी और कम मीठे हैं तो शक्कर ज़्यादा। तो ये देखिए हमारा कुल्फी का बेस तैयार है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मलाई। तो ये फ्रेश मलाई है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप बाज़ार की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बिल्कुल धीमे हाथों से हम मिक्स कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया कुल्फी बनके तैयार होती है। और बस इसको हमें असेंबल करना होता है, मतलब कुछ पकाना नहीं है। तो सिर्फ 10 या 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। ये देखिए मैंने मलाई को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, पर ओवर मिक्स नहीं करना है, बस मिक्स ही करना है इसको। और ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और मिलाऊंगी। तो इसमें मैंने करीब 2 टेबलस्पून मिल्क डाला है और अब देखिए एकदम लम्प फ्री और पोरिंग कंसिस्टेंसी का जो है हमारा कुल्फी का मिक्सचर तैयार है। और आइए फटाफट इसको कुल्फी के मोल्ड्स में डालते हैं। कुल्फी बनाने के लिए आज मैं इस तरह के एल्यूमिनियम के कुल्फी मोल्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप पॉप्सिकल वाले ये मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सादा पेपर कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुल्फी को इन मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे और बस अब हम इनको कवर कर देंगे। तो अगर आपके पास इस तरह के कवर नहीं है तो एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनके सेंटर में हम डाल देंगे ये आइसक्रीम स्टिक और अब मैं इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुल्फ़ी कितनी बढ़िया जमती है। कुल्फ़ी को मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ कर दिया था और इसका ढक्कन हटा के मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए बहुत अच्छे से जम गई है और अब इसको मोल्ड से निकालने के लिए हम इसको एक पानी से भरे हुए ग्लास में कुछ सेकेंड्स के लिए डाल देंगे और अब हम हाथ के बीच में इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए, और ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से लूज़ हो जाएगी। और ये देखिए कुल्फ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इसको नारियल के सूखे बुरादे में इस तरह से रोल कर लें, ये इससे भी बहुत टेस्टी लगती है। या फिर आप इस तरह से इसको पिस्ते से थोड़ा गार्निश कर लें। तो बारीक कटा हुआ पिस्ता है ये देखिए। तो हमारी मैंगो कुल्फ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप जिस भी फॉर्म में इसको खाना चाहे खा सकते हैं, होती बहुत ही टेस्टी है। तो ट्राई ज़रूर करें और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।